मेरा नाम है ईशान, आप देख रहे हैं टेक्नेटिक मलिक। बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 8 5G के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रियलमी 8 5G की। तो इंडिया में आपको इसके दो ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक है आपका 4GB रैम 128GB इंटरनल और हायर वेरिएंट है आपका 8GB रैम 128GB इंटरनल। अगर हम कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको सुपरसोनिक ब्लैक, सुपरसोनिक ब्लू और एक दो कलर और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सारे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं रियलमी 8 5G में। तो बात करें अगर हम रियलमी 8 5G बैग की, तो इसकी बैग आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी ग्लॉसी डिज़ाइन भी है इसमें। प्लास्टिक बैग होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी इसमें डिज़ाइन आपको मिलती है पीछे से, और उसमें आपको कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जब आप फ़ोन को होल्ड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम वेट की बात करें तो 189 ग्राम का इसका वेट है और 8.5 mm की थिकनेस में ही फ़ोन है। तो ना ज़्यादा हैवी साइड है और ना ज़्यादा बल्कि साइड है, तो काफ़ी ज़्यादा सही इसकी बैक और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिलती है। तो बात करते हैं इस फ़ोन की सिम ट्रे की, तो इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि आपका दो सिम कार्ड और एक SD का स्लॉट आपको मिलता है। और आपको इसमें सिर्फ सिंगल माइक्रोफोन ही मिलता है, ऊपर की तरफ आपको माइक्रोफोन नहीं मिल रहा है। और ये फ़ोन में सिर्फ सिंगल स्पीकर ही है, लेकिन वो स्पीकर काफ़ी ज़्यादा ठीक है। नॉर्मल आवाज़ वगैरह अगर आप सुनेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई बेस वाले आप सॉन्ग वगैरह नहीं सुनते, वो काफ़ी ज़्यादा सही आपको अच्छा वगैरह लगेगा। और इसमें आप जब फ़ोन खरीदेंगे तो आपको बॉक्स के अंदर कवर भी मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इनके कवर होते हैं, काफ़ी अच्छे से फिट भी हो जाते हैं फ़ोन में। तो अगर हम बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करते हैं। तो बात करते हैं हम इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको रियलमी UI 2 मिलता है और इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 भी मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको कोई भी आपको बैन ऐप देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया में जितने भी ऐप्स को बैन करा गया था, उसमें आपको कोई भी ऐसा फालतू का ऐप इस फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस फ़ोन में ऐसा भी नहीं कि आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको कभी कभी थोड़े बहुत ऐड भी देखने को मिल सकती है। वैसे ये चीज़ रियलमी को सही करनी चाहिए, क्योंकि उनके ज़्यादातर फ़ोन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐड आपको दिख ही जाता है। इसमें आपको रैम में LPDDR4X रैम मिल रही, स्टोरेज आपको UFS 2.1 मिल रहा है। और वैसे भी ये फ़ोन आपका 20,000 के अंदर है, उसमें आपको रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिल रहा है। जैसे कि जो 4GB वेरिएंट है आपका, वो बन जाता है आपका 7GB वेरिएंट, और जो 8GB रैम वाला वेरिएंट है वो आपका बन जाएगा 11GB वेरिएंट है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बात करते इस फ़ोन की कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपका ब्लूटूथ 5.1 मिल रहा है, डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है, वाईफाई कॉलिंग मिल रही है, डुअल 4G वोल्ट मिल रहा है, और इसमें आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी के भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि GPS, ड्रोनस वगैरह भी और भी चीज़ें हो गई। इसमें आपको 5G मिल रहा है। वैसे भी अभी इन लोगों ने कुछ टाइम पहले रियलमी 8 लॉन्च करा था, पर वो 4G था, तो इन्होंने फिर से वही फ़ोन को थोड़ा बहुत चेंज करके 5G लॉन्च कर दिया है। खैर, इसमें आपको वाइड बैंड L1 मिल रहा है और कैमरा टू API का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो बात करते हैं हम इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.5 इंच की FHD+ IPS आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। और इसके डिस्प्ले को और भी ज़्यादा स्मूथ करने के लिए इसमें आपको 180Hz का टचिंग सैम्पलिंग रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, जो और भी ज़्यादा स्मूथ कर देता है इसके डिस्प्ले को। इसमें आपको लेफ्ट में सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम बाद वो नोटिसेबल भी नहीं होने वाला है। और इसमें आपको अगर स्क्रीन टू बॉडी शेयर की बात करें तो 90.5% आपको स्क्रीन टू बॉडी शेयर मिल रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे की जो चेन होती है और साइड के जो बेजल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पतले आपको छोटे देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको 600 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छे कलर आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले भी आपको मिल रही, वरना आपको लोग को तो पता ही है कि पहले जो रियलमी की जो डिस्प्ले होती थी, मतलब कि अच्छी इसमें ब्राइटनेस नहीं होती थी। अगर आप बाहर वगैरह यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा आपको नहीं मिलता देखने को, लेकिन कुछ टाइम बाद से ही रियलमी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उनकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है। इसमें आपको ड्रैगन टायर की ग्लास पे प्रोटेक्शन भी मिल रही फ्रंट पे, तो अगर आपका फ़ोन गिर भी जाए तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो बात करते हैं अब हम इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि 7 nm पे बेस ऑक्टाकोर A76 आपको मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, ये आपके लिए डे टू डे लाइफ में बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता भी है आपका फ़ोन। और अगर हम गेमिंग वगैरह की बात करें तो इसमें आप हाई एंड गेम वगैरह हाई से मीडियम सेटिंग में बड़े आराम से खेल पाएंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, पबजी वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे बड़े गेम आप इसमें बड़े आराम से और बिना कोई लैकेज के, बिना कोई फेन ड्रॉप के बड़े आराम से इसमें आप खेल पाएंगे।
अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और 18W का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है जो कि आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, इसमें आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी लेंस आपका 48MP का है, 2MP का मैक्रो और 2MP ब्लैक और वाइट आपको लेंस देखने को मिलता है। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। रियलमी को कम से कम अल्ट्रा वाइड लेंस तो देना चाहिए क्योंकि आप इसमें कोई मतलब अच्छी क्वालिटी का लेंस आप इसमें नहीं दे रहे हैं। और अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, उसमें आप 1080p में EIS का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी से पोर्ट्रेट, ब्यूटी, नाइट मोड, स्लोमो और ऐसे बहुत सारे फीचर आपको बैक में मिलते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी मिलती है और फ्रंट में आप 1080p में EIS का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी इसमें पोर्ट्रेट, ब्यूटी और फ्रंट में भी आपको बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। खैर, इस फोन में आप फोटो वगैरह बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से खींच पाएंगे, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग वगैरह इसके फोन में आती है। तो बात करते हैं इस फोन की प्राइस की, तो इसमें आपको बेस वेंट 4GB RAM 128GB वेंट आपको मिलेगा 15,000 रुपये का और हायर वेंट है आपका 8GB RAM 128GB वेंट आपको मिलेगा 17,000 रुपये का। मेरे हिसाब से इस फोन की प्राइस ठीक है। तो अगर आपको रियलमी का कोई फ़ोन लेना था 5G, तो आप इस फोन को ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन आपकी जगह अगर मैं होता तो आजकल मार्केट में इसी प्राइस रेंज में 15,000 से 20,000 की रेंज में आपको बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे और बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के फ़ीचर भी आपको उसमें मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ़ोन ख़राब है, आप नहीं लीजिए। इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें आपको डायमंड सिटी का प्रोसेसर मिल रहा है, 48MP का आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, बड़ी बैटरी मिलती है, बड़ी डिस्प्ले मिलती है, तो ये फ़ोन भी ठीक है। अगर आपको कोई रियलमी का ही फ़ोन लेना है तो आप इस फ़ोन को भी ज़रूर दे सकते हैं। वैसे भी ये फ़ोन आपका 5G भी है, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कोई और ब्रांड का ज़रूर देखता। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।